हाय गाइस, मेरा नाम है गौरव। आप देख रहे हैं FRHR गेम्स। जैसा कि मैंने आप लोगों से वादा किया था, जैसे मैंने वाइट बॉल स्क्वाड की टीम बना के एक इवेंट खेला था, वैसे ही हम लोग आज क्या करने वाले हैं, ब्रॉन्ज बॉल स्क्वाड हम लोग बनाएंगे। एंड देन उस स्क्वाड को लेकर मैं एक इवेंट खेलने वाला हूँ। मैं आपको दिखा देता हूँ कौन सा इवेंट हम लोग खेलेंगे ई फुटबॉल के अंदर। आज मैच डे इवेंट आया है तो इसको हम लोग खेलने वाले हैं गाइस, तो बहुत ही ज़्यादा मज़ा आने वाला है। लेट्स सी क्या होता है, क्योंकि इवेंट में रेटिंग के हिसाब से अपोनेंट मिलेगा, तो हो सकता है ब्लैक बॉल वाला या लेजेंड स्क्वाड वाला इवेंट वो भी हमें प्लेयर मिल जाए अपोनेंट, तो इंटरेस्टिंग होने वाली है ये चीज़। तो सबसे पहले मैं आपको अपना स्क्वाड दिखा देता हूँ कि भाई हमारा स्क्वाड क्या रहेगा मैच में। तो गाइज़ ये आप देख सकते हैं, ये हमारा स्क्वाड है। एंड गाइज ये सब बेस लेवल पर हैं, अभी इनकी रेटिंग मैंने इम्प्रूव नहीं किया, यानी कि इनको ट्रेन नहीं किया है मैंने इन प्लेयर्स को, तो बिल्कुल बेसिक लेवल पर अभी ये प्लेयर्स हैं। तो चलिए देखते हैं कि हम लोग जीतते हैं या हारते हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और सबसे पहला मैच डे इवेंट जो है चालू करते हैं। तो ये हम इवेंट में आ गए और जैसा कि आप लोग देख सकते हैं अभी तक मैंने एक भी मैच नहीं खेला है, तो टोटल पॉइंट्स हमारे 0 हैं। चलिए गाइस, स्क्वाड रेटिंग बिल्कुल ही कम है, 16.8, लेकिन मज़ा आने वाला है, अपोनेंट कैसा मिलता है उसके ऊपर है। तो अपडेटिंग डेटा होगा अभी। सो गाइस जो हमारी रेटिंग है इस टाइम पे है 961। देखते हैं कौन सा ओपोनेंट मिलता है हमें। ब्रॉन्ज हमारी पूरा जो स्क्वाड है वो ब्रॉन्ज बॉल का है और रेटिंग 961 है, तो 970-980 वाला ही अपोनेंट मुझे लगता है मिलना चाहिए। बट कई बार क्या होता है 1000 के ऊपर वाला अपोनेंट भी मिल जाता है, तो उसकी जो है ब्लैक बॉल्स रहेंगी उसके पास और साथ में गोल्ड बॉल भी खिलाएगा वो, तो लेट्स सी क्या होता है। वैसे तो AI इतना स्ट्रांग है कि ऑलमोस्ट सिमिलर टीम के साथ मैच करवाता है, लेकिन फिर भी चलिए ये तो कम रेटिंग वाले अपोनेंट हमें मिल गए हैं कार्लेक्स। और इनका स्क्वाड मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ। इनका स्क्वाड जो है गाइज देखिए, इनके पास कैरी ओवर प्लेयर भी हैं दो, इनिएस्ता इनके पास है, चिलेनी है इनके पास, और इनके पास ये अंशु फाटी भी है इनके पास गाइज, और इनके पास असेंशियो भी है। तो प्लेयर तो इनके पास काफ़ी अच्छे हैं, काफ़ी अच्छी टीम भी है इनकी, ऑलमोस्ट 2250 इनकी जो है टीम स्ट्रेंथ है और हमारी है 1500, तो बहुत कम है, 1000 कम है, लेकिन फिर भी हम लोग कोशिश पूरी करेंगे गाइज कि इस मैच को जीता जाए। तो चलिए मैच की तरफ बढ़ते हैं, हमारा पहला ब्रॉन्ज बॉल स्क्वाड का मैच। आपको क्या लगता है, जीतूंगा या हारूंगा? जो भी लगता है अभी कमेंट में कर दो भाई, बाद में देख के मत करना। चलिए गाइस, तो हम लोग जो है मैच की तरफ बढ़ रहे हैं। अच्छा, जिन लोगों को नहीं पता मैं बता देता हूँ, मेरे दो अकाउंट है। ये जो दूसरा अकाउंट है ना, इसमें जो है मेरी रेटिंग थोड़ा सा कम है। दूसरे अकाउंट में 1050 के अप्रॉक्सीमेटली जो है मेरी रेटिंग है और वो FRHR 11 है मेरी टीम का नाम उसमें, और इतनी देर में जो है ये गोल मारने वाले थे, चलिए बच गए। गोलकीपर ने थोड़ा डिफेंस तो ठीक कर लिया एटलीस्ट। तो FRHR 11 के नाम से जो है मेरी मेन अकाउंट है, वहाँ पर आप लोग मेरे को अगर मेरे साथ खेलना चाहते हैं तो वहाँ पर आप लोग खेल सकते हैं। चलिए गाइज, अरे बॉल क्लियरेंस के लिए मैंने राइट में दबाया था लेकिन उन्होंने लेफ्ट में हेडर कर दिया। तो रेटिंग का कमाल यही होता है गाइज, क्लियर करने से मतलब है कहाँ कर रहे हैं, ये नहीं कॉर्नर दे दिया, कोई फर्क नहीं पड़ता। शाबाश, चिलेनी जो है ना अभी खुद गोल पड़वा लेते, मजा ही आ जाता गाइज। पलोश्ची जो है ना गाइज, ऑफेंसिव अवेयरनेस जो है ना बहुत ही मतलब खराब से लग रहा है उनका। वो वहां पे खड़े हैं स्पॉट पे लेकिन मूवमेंट नहीं हो रही है उनकी तरफ से बिल्कुल, वो देखिए खड़े हैं बस, शक्ल देख रहे हैं, ऐसा लग रहा है शक्ल देखने के लिए खिलाया है इनको। हेनरी जो है ना, हेनरी से ही उम्मीदें हैं गाइस फिलहाल तो। चलिए, अरे यार क्या लगता है गाइस, गोल होगा या नहीं होगा? ओहो, अरे किक में पावर देख रहे हैं गाइस, कीपर ने मतलब ऐसे ही मजाक मजाक में पकड़ ली, कीपर बोले ये तो गिफ्ट है कि। ये
लॉन्ग बॉल वाले अपोनेंट मिले गाइस, बस खड़े खड़े लॉन्ग बॉल मार रहे हैं। ये देखिए एक और लॉन्ग बॉल। चलिए कोई बात नहीं गाइस, फर्स्ट हाफ जो है निकल गया है और हमारा पोजीशन ऑब्वियसली ज़्यादा होगा क्योंकि वो तो आते ही बॉल को जो है एकदम लॉन्ग बॉल मारने की तैयारी में बैठे हुए हैं। नेक्स्ट हाफ में क्या लगता है गाइस आपको, गोल होगा या नहीं होगा? थोड़ा सा जो हमारे जो फॉरवर्ड है ना वो थोड़ा सा कमज़ोर पड़ रहे हैं उनके आगे, उनका डिफेंस जो है ब्लैक बॉल से भरा हुआ है, तो उनकी पोजीशनिंग टाइमिंग सब कुछ एकदम अच्छी है, तो हमें अपने गेम को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा तब जाके गोल होगा। एक और लॉन्ग बॉल मारी, अरे मार। तो गाइस पहला गोल हमने कर दिया है, उम्मीद नहीं थी मुझे, मुझे डर लग रहा था कि जो एनरी है ना हमारे वो जो है गड़बड़ मचा देंगे। चलिए ये काट नहीं रहा तो मैं आपको गोल दिखाता हूँ। ये देखिए मैंने शूट का बटन दबा दिया लेकिन उनको पता नहीं कि फर्स्ट टच देना था उसके बाद शूट करना था। अरे पहले टच में ही शूट करो ना यार। तो यही होता है गाइस, जिनकी फिनिशिंग थोड़ा सा कमज़ोर होती है ना वो थोड़ा सा टाइम ले लेते हैं फिनिश करने में, उतनी देर में जो है गोलकीपर काम तमाम कर देता है। इनको बस इससे मतलब है कि बस लॉन्ग बॉल मार दें और डिफेंस बीट हो जाए और ये गोल कर दें, लेकिन हम ऐसा करने नहीं देंगे इनको, इनकी स्पैमिंग को बिल्कुल चलने नहीं देंगे हम। ठीक है लॉन्ग बॉल मारते हैं गाइस, लॉन्ग बॉल, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि लॉन्ग बॉल मारना एकदम गलत है, मारिए, लेकिन ये नहीं कि आप सारी बॉल फिर लॉन्ग बॉल मार रहे हैं, थोड़ा बहुत और भी कुछ कीजिए, गेम चल रहा है। वो देखो पीछे ले जा रहे हैं, उनको लॉन्ग बॉल मारनी थी फिर से। चल बेटा किक इट टू हेवन। अरे यार गाइस देखा पास कितना बेकार था ये। क्या लगता है आपको सेकंड गोल होगा? जैसा चल रहा है ना गेम, सेकंड गोल की उम्मीदें कम लग रही हैं गाइस। अभी तक पास वगैरह अगर उसकी बात की जाए ना तो ठीक ठाक सी ये पासिंग मुझे लगी, मतलब बहुत अच्छी तो नहीं है। वाइट बॉल का गेम खेला था ना गाइस मैंने, तो पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगा कि वाइट बॉल वाले ज़्यादा अच्छी पासिंग कर रहे थे इससे, लेकिन ब्रॉन्ज बॉल स्क्वाड ऊपर होना चाहिए था, बट उल्टा हो रहा है यहाँ पे, वाइट बॉल वाले ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, हो सकता है कि टीम में जगह नहीं मिलती ना उन लोगों को इसलिए वो लोग ज़्यादा अच्छा खेलते हों, हो सकता है मे बी, क्योंकि यहाँ पे तो अरे यार पता नहीं क्या चल रहा है गाइस। चलिए क्लियरेंस तो कर ही ले रहे हैं, डिफेंडिंग भी ठीक ही कर रहे हैं फिलहाल। अरे यार पलोश्ची ने एक जरूर इन्होंने चांस बनाया था, लेकिन पूरा गेम इतना मज़ेदार नहीं खेला पलोश्ची ने। चलिए कोई बात नहीं, ठीक है गाइस, तो ब्रॉन्ज बॉल स्क्वाड से हमने गेम जीत लिया है, पोजेशन भी हमारा 54% रहा है उनका 46%, तो अच्छा खासा गेम हमारा चला है। तो ये था गाइस ब्रॉन्ज बॉल स्क्वाड को लेकर गेम, मुझे लगता है, उम्मीद है मुझे कि आपको ये गेम पसंद आया होगा। रेटिंग भी देखिए हमारी 17 बढ़ गई है, तो गेम हमने डिसेंट खेला। अब आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये गेम कैसा लगा, अच्छा लगा, बुरा लगा, जो भी लगा आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए गाइस। आज के लिए तो बस इतना ही था, बाकी मैं आपके लिए ऐसी और भी वीडियोस लाता रहूँगा। गोल्ड बॉल स्क्वाड भी हमने बनाया था, उसको लेकर भी एक मैच हम लोग पूरा करेंगे और देखेंगे कि भाई गोल्ड बॉल वाले प्लेयर्स कैसा परफॉर्म करते हैं एक मैच डे इवेंट के अंदर। सो गाइज बस आज के लिए इतना ही, अगर वीडियो पसंद आया वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के नोटिफिकेशन पर ऑल प्रेस कर दीजिए। थैंक यू सो मच, मेरा नाम है गौरव, आप देख रहे थे FRHR Games।